आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार घमासान के बीच बढ़ता जा रहा है। लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिशें हैं कि जनता के बीच जाकर के अपनी अपनी जो काम है, जो दूसरे की कमियां हैं, उसे गिनाया जाए। लगातार बीजेपी की तरफ से भी यही कोशिश जारी है और लगातार समाजवादी पार्टी है, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से भी। ऐसे में सबसे अहम है कि जो प्रत्याशी पार्टियों की तरफ से चुने गए हैं, उन्हें जनता का इस वक्त कितना समर्थन मिल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मौजूदा सरकार के या फिर मौजूदा विपक्षी के किस विधायक ने कितना काम किया, जनता उससे कितनी खुश है, इस चीज के बारे में भी बताना, ये सबसे अहम है। तो इस वक्त हम बदायूं की दातागंज विधानसभा सीट पर हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी चुना है कैप्टन अर्जुन सिंह। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि जब ये जनता के बीच जा रहे हैं, यहाँ की विधानसभा के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो बीती सरकार यानी बीते 5 साल के कार्यकाल के बारे में उनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से, बीते 5 साल में विधायक ने कितना काम किया, कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हुआ और उनकी नजर में कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका वो निराकरण करने की जो जिम्मेदारी है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आप जनता के बीच जा रहे हैं, सबसे पहली तो चीज ये कि जनता आपको वोट क्यों करें, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बीते 5 साल यहाँ पर बीते हुए हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पर कई सारी समस्याएं, चाहे सड़क की हो गई हो, ड्रेनेज की हो गई हो, बिजली की हो गई हो, स्वास्थ्य की हो गई हो, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट्स की भी हो गई हो, कई सारी समस्याएं हैं। मैं 2-3 दिन से यहीं पर हूं, तो इन समस्याओं के बीच जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो वो क्या बता रही है जनता कि बीते 5 साल में कितना काम हुआ, और आप लोगों की तरफ से क्या उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आएंगे तो कैसे काम करेंगे? देखिए, ऐसा है, बीते 5 साल में, मैं पूरी भाजपा सरकार की बात करता हूँ, वो तमाम मुद्दों को लेके, वायदों को लेके जनता का समर्थन उन्होंने लिया जिससे उन्होंने सरकार बनाई। चाहे वो 2 करोड़ का वायदा हो, 2 करोड़ नौकरियों का, 15-15 लाख का वायदा किया हो, किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया हो, या अन्य किसी क्षेत्र में उन्होंने वायदा किया, जैसे तमाम उन्होंने करे, उनके सारे वायदे जुमलेबाजी निकले, सब वायदे खोखले निकले, जनता त्रस्त हो गई, समझ गई। उसके बाद जब जनता ने जवाब मांगा तो या तो लाठी की बरसात हुई, जैसे अभी इलाहाबाद कांड हुआ, किसानों ने आंदोलन करा, जिनकी आय दोगुनी कर रहे थे उनकी आधी से कम रह गई, उनके लिए 3 कृषि कानून लाए गए, जब आंदोलन करा तो उन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, 700 किसान मर गए, उनके लिए कोई कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। या सांडों से आदमी परेशान है, गायों से परेशान है, सांड से हत्या हो रही है, जिसके लिए आप सोचिए कोई, मतलब तानाशाही है गजब तरीके की। तो ये किस बात पे कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारा काम किया, ये कह रहे हैं कि बीते 5 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं और उसके पहले की सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो हमारा काम सबसे बेहतर है, और बीती सरकारें अगर फिर से रिपीट करती हैं तो वो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को उसी गुंडा तंत्र में झोंक देंगी, उसी भ्रष्टाचार में थोक देंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, इस तरह की बातें क्यों? देखिए, ऐसा है, यही सारी बातें करके तो उन्होंने सरकार बनाई है। जब यही सारी बातें उनकी चल गई, हिट हो गई और उन्होंने सरकार बना ली, तो अब वो दोबारा रीअप्लाई कर रहे हैं ये बातें। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक है, समझ चुकी है इनके झांसे में नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक। और रही बात जो इनके आपने कहा वायदे हैं, मुद्दे हैं कि हमने काम कराया, ये कराया, इतनी ज़्यादा हवा हवाई बातें कि इन्होंने सारा डेटा गायब कर दिया। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उसके आप डेटा कलेक्ट करिए तो आपको डेटा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, अपराध चरम सीमा पे। अब डाटा देती है कि 4.5 लाख या 6 लाख नौकरियां, सरकार ने तो डेटा दिया था जो गंगा में लाशें बही थी ये बहुत कम थी, सरकार ने डेटा दिया था जो ऑक्सीजन के कारण जो बच्चों की मृत्यु हुई थी गोरखपुर में वो एक भी नहीं थी, सरकार ने डेटा दिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है, सरकार ने डेटा दिया था तमाम ऐसी वायदों पे जो मुद्दे आपकी मीडिया के माध्यम से उठाए गए कि नहीं 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 ये आंकड़े गलत है, कम लोग मरे हैं, नहीं नहीं ऑक्सीजन से नहीं है, नहीं नहीं कोरोना में कम जाने गई है। अरे आप डेटा फील्ड में ला के देखिए ना, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई किसी का वो नहीं जहां पे किसी का नुकसान ना हुआ हो, किसी ना किसी खोया ना हो ऑक्सीजन की कमी से, बेड ना मिलने की वजह से, अस्पताल की कमी से। कमी तो सरकार की रही है ना, लापरवाही तो सरकार की है, तो सरकार जवाबदेही हुई। जब सरकार जवाबदेही तो आप बच कैसे सकते हो? तो आप बच रहे हो आंकड़े छुपा के, झूठ बोल के, मीडिया मैनेज करके। पर आप सब जागरूक हैं, हर एक व्यक्ति जानता है सरकार की पोल खुल चुकी है कि ये झूठी निकम्मी जुमलेबाज सरकार है, इसको कुछ नहीं आता, इसको सिर्फ एक काम आता है कि भैया सब किसानों को कैसे परेशान करा जाए। तो पहले कृषि कानून लाए, कृषि कानून के साथ साथ उन्होंने कहा कि भैया एक हाथ में टॉर्च पकड़ो, एक हाथ में लाठी, और रात में कोई अपने घर सो ही मत, सब अपने खेतों में सो, गैया रखाओ। दुखी हो गया सरकार, बेरोजगार नौजवान परेशान है,
नौकरी के लिए कोचिंग करे, पैसा खर्च करे, दूर दूर अपना घर छोड़ के जाए, उसके बाद जब बारी आए नौकरी की तो पेपर आउट हो जाए। वो कह रहे हैं हम सिलेंडर और राशन तो दे ही रहे हैं। भाई साहब देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत, ये मुझसे क्या यार, तमाम जनता खड़ी, किसी से पूछ लेंगे तो वो हंस के जवाब देगा इस बात का। 1000 रुपए का सिलेंडर है, जिस किसान की आमदनी क्या है वो 1000 रुपए का सिलेंडर भरवा सकता है? आपको लगता है जो सिलेंडर कितने रुपए का था पिछली सरकार में, 600 रुपए का या कितने रुपए का था? वो 1000 रुपए का सिलेंडर, 350 रुपए का था। 5-5 किलो ये अनाज दे रहे हैं और रात में सांड जो ये घूम रहे हैं, जो 50-50 किलो क्विंटल हो ये फसल बर्बाद कर रहे हैं, इनका कौन हिसाब देगा? 5 किलो का राशन कितने का हुआ? 100 रुपए का हुआ, कितने का हुआ? खुद आंकड़ा लगा लीजिए। और जो बर्बाद हो रहा किसान और उसकी जो फील्ड पर जितना उसका कैलकुलेट कर लीजिए, और जो आप किसान की लेबर कॉस्ट जोड़ लीजिए, जो वो पूरी रात रात रखाता है मैं अपने घरवार सहित, भाई उसकी भी तो कोई लेबर कॉस्ट होगी, जो वो अपनी लेबर वहां इनपुट दे रहा है उसकी कॉस्ट जोड़ लीजिए, जो वो घर पे नहीं है, खेत रखा रहा गई हो, रात में बेचारे को बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है, तमाम ऐसे किस्से हैं। तो ये क्या है? ये देखिए अब वो टाइम चला गया, एक टाइम होता है जैसे कोई आया, कोई हवा के संग चला गया। इस सरकार को पब्लिक ने प्यार दिया, सम्मान दिया, मौका दिया। मैं ये पूछ रहा था दातागंज जहाँ से आप नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर जनता सबसे ज्यादा फोकस करी हुई आपसे बता रही है, और आप वो कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण कर देंगे, ये चीज? और दूसरी चीज, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो लोग हैं, वो आपको क्यों वोट दें? जनता के लिए क्या संदेश? देखिए जनता के लिए मेरा इतना संदेश है कि मैं कई साल हो गए मुझे राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ, इन लोगों के बीच का आदमी हूँ, और मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि चाहे कोई भी वर्ग हो, अपना युवा नौजवान वर्ग हो, अपना बुजुर्ग वर्ग हो, महिलाएं हो, माताएं बहनें हो, ये सब इस बात को जानते हैं और भरपेट समझ चुके हैं कि हमें अब एक साफ सुंदर छवि का ईमानदार कर्मठ पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो हमारे बीच में आए। मुझसे पहले कौन रहा है क्या नहीं रहा है मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कसूंगा, पर उन्होंने क्या किया वो उनके कर्म बोलते हैं, वो मुझसे बेहतर है, आप जनता से पूछिए। मैं किसी की आलोचना करने में बिलीव नहीं करता, मैं अपने कर्मों में बिलीव करता हूँ। क्या मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच में आया हूँ, तो मुद्दे वही हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दे करे हैं, कोई उनसे अलग मुद्दे नहीं है। मैंने ये गाय और सांड का मुद्दा इसलिए जोड़ा कि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है और इसका कोई ना कोई परमानेंट इलाज जरूर सोचना चाहिए तत्काल। दूसरी बात, युवा बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, पुलों का मुद्दा है, आपके ये चिकित्सा का मुद्दा है, डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज का मुद्दा है, पढ़ाई के क्षेत्र में, और ये आपके रोडों के क्षेत्र में, पुल के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा इलाका दातागंज कहलाता है, क्योंकि तराई का इलाका बहुत रहा है। उस पिछड़ेपन की वजह से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए, शिक्षित नहीं हो पाए, चिकित्सा का अभाव रहा है, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, अखिलेश जी की देन है कि 108 एम्बुलेंस और 100 नंबर की पुलिस हो गई, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ गई। पर आने वाले समय में हमें इसे बहुत सशक्त करना है और सुचारू रूप से ये सेवा लोगों तक सीधे सीधे पहुंचानी है। रिजल्ट रहेगा इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी बन रही है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम 300 पार जाएंगे इस बार फिर से, और समाजवादी पार्टी 100 के अंदर ही रह जाएगी क्या? देखिए मैं नहीं जानता बीजेपी कितनी बड़ी ज्योतिष है या कितनी बड़ी पंडित है या कहां अपने हाथ दिखा के आए, पर मैं ये जानता हूं कि मैं जनता के बीच का आदमी हूं, जनता विश्वास रखता हूं। जनता इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मेरा ये मानना है कि 350 के पार हर कीमत पे सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी, और अजयस जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, दातागंज विधानसभा में, आप जानकारी करिएगा, आप मालूम करिएगा कि इस बार समाजवादी पार्टी 117 दातागंज विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाली है, ऐतिहासिक। और उसका बेस ये नहीं है कि एक वर्ग, एक जाति, एक कोई, हर व्यक्ति, हर कौम, हर जाति, सबकी आस्था अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में जुड़ी हुई है, सबका प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है, सब साइकिल को वोट देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, और मैं समझता हूं इस प्यार सम्मान के बलबूते पे मेरी जिम्मेदारी जो मुझ पे पड़ेगी भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, उसको मैं बखूबी निभा पाऊंगा, अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करूंगा। और जिस क्षेत्र में आप लोग मेरी मदद लेना चाहेंगे, चाहे वो जन समस्याएं हों या और किसी चीज का अभाव हो, उस पर मैं हमेशा आगे आपको खड़ा मिलूंगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो कैप्टन अर्जुन से, इनका साफ तौर पर कहना है कि दातागंज विधानसभा वो सीट है जहां पर बीते समय में काम नहीं हुआ सही से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो गया हो या फिर ये आपके स्वास्थ्य पर हो गया हो, बिजली पर हो गया हो, किसानों के लिए सरकार लगातार बोल रही है लेकिन यहाँ पर किसान जो है वो जंगली जो जानवर है इसके अलावा गाय से भी परेशान है, वो अपने खेतों में रात भर रखवाली कर रही है, और महंगाई और बेरोजगारी भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। तो अब देखना ही होगा कि इस विधानसभा का जो नतीजा है वो क्या होता है, लेकिन यहाँ से जो प्रत्याशी उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी हुई है और लड़ाई जो है इस बार टक्कर की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रहते हैं प्राइम टीवी। कुछ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।